तो हे बट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू फूडीज वर्ल्ड व्लॉग्स। एंड आज का डेट की है 6th मई, आज 6th ऑफ मई। एंड थोड़ा सा मैं आपको कोरोना अपडेट दे दूं। कोरोना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार ने गाइडलाइंस निकाल दिया है कि कार में 2 जने एंड एक्टिवा पे 1 जना ही अलाउड है। तो आप प्लीज़ इन गाइडलाइंस के साथ छेड़खानी मत कीजिए एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट भी अब हमारे भले का सोच रही है। एंड आई सुजेस्ट यू वेयर 2 मास्क एंड ऑल्सो घर आके आप हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें एंड हाथ भी अच्छे से धोएं घर आके। अपने कपड़ों को भी एक बार सैनिटाइज कर लें ताकि आप भी सेफ रहो एंड आपकी फैमिली भी सेफ होए। पहली बात तो बाहर जाना आप जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अगर घर का बहुत ज़रूरी काम है तो ही आप बाहर जाओ। तो जैसे कि अभी मेरे को मार्केट जाना पड़ रहा है, कार पे जाऊंगे, 2 जने जाएंगे, मेरा भाई आया हुआ है मुक्सर वाला एंड अभी हम जाएंगे मार्केट। तो चलिए चलते हैं, तैयार होके अभी मैं नहा के निकला हूँ। तो अभी मैं अपनी बियर्ड सेट कर लेता हूँ और कैप डाल के चलते हैं मार्केट। सो लेट्स गो। अभी मैं और मेरा ब्रदर जा रहे हैं कार पे फतेह को ट्यूशन छोड़ने। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 3 जने जा रहे हैं गाड़ी में, अभी ये बता के हटाया कि 2 जने ही जाओ। टेंशन मत लो, मार्केट हम 2 जने ही जाएंगे। ये जो ट्यूशन है वो एक गली छोड़ के ही है घर के। तो अभी हम फतेह को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं एंड आप इंजॉय करिए ये खूबसूरत सा टाइम लैप्स। फ़ोन पे गार्ड लगवा लिया है एंड हाथ भी सैनिटाइज हो गए हैं, गार्ड चेक भी हो गया है, बढ़िया तरह से लग गया है। एंड अभी मैं जाऊंगा घर एंड हमारी मोटी को पिक करके बाज़ार जाके थोड़ा सा घर का राशन लेके आना, तो वो लेके आते हैं। तो अभी मैं दोबारा मार्केट जा रहा हूँ, मेरे साथ है मोटी। मोटी की फ़ोटो आपको दिख जाएगी साइड में। एंड अभी आज रात को बनने वाला है पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा का सामान लेने जा रहा हूँ आज आपको। मतलब होममेड पिज़्ज़ा सॉस तो नहीं, पर एक ऐसी पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँगा जिसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है। 2 या 3 सॉसेस मिला के बनता है वो। एंड आज अगर आपने मेरे थिन क्रस्ट होममेड बेस वाले थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी देखनी है, या तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है वो भी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। पर आज रात को पिज़्ज़ा बनेगा, सो पिज़्ज़ा का सामान लेने जा रहे हैं बाज़ार। एंड आप देख सकते हैं कि मौसम आज सुहाना है, काले काले बादल हैं, अनेरी आ रही है। पता नहीं हिंदी में अनेरी बोलते हैं, हमारे यहाँ मतलब पंजाबी में तो अनेरी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तूफान आ रहा है, देख सकते हैं मिट्टी कैसे उड़ रही है। एंड पिज़्ज़ा का सामान ले आते हैं, शायद आज बारिश हो तो बारिश के मज़े पिज़्ज़ा के साथ आ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी हम पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा का सामान लेने गए ही थे, 2 मिनट अंदर गए होंगे हार्डली एंड बारिश तब पड़ नहीं रही थी और 2 मिनट में पता नहीं कहाँ से बारिश टपक पड़ी। एंड ये देख लो मोटी, मास्क ऊपर कर। क्या खा रही है? ब्रिटानिया के केक, घर पे जाके खाइयो। ये देख लो बेशर्म। चलो अभी घर चलते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा सही है, तो मौसम बढ़िया होने की वजह से मैंने जो गाड़ी की खिड़कियां हैं, गाड़ी की विंडोज हैं, वो ओपन कर दी हैं एंड एसी भी चलाया हुआ क्योंकि मौसम बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हवा बहुत नेचुरल बढ़िया है, एसी चल रहा है। हाँ नेचुरल एसी चल रहा है, आज मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी तो आज मौसम भी बढ़िया है, आज पिज़्ज़ा भी बन रहा है, तो मौसम के साथ पिज़्ज़ा के मज़े अलग है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बहुत स्लो जा रहे हैं एंड हम बहुत मज़ा, पिछले 5-10 मिनट से चले हुए हैं हम
एंड 15 से 20 के ऊपर स्पीड मैंने मेरे ख्याल में की नहीं क्योंकि मतलब पैर बिन रखा हुआ। नहीं, यादें ताज़ा हो रही हैं, बारिश में क्रिकेट खेला जा रहा है, छोटे होते ऐसे ही करते थे। ले बटी और देख लो, ये प्रो नहीं है, शी इज नॉट प्रो। जा ले क्या, आ गया घर जाने का टाइम क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तेज है। चलो अब मैं जा रहा हूँ घर, बारिश आ गई है, खेल नहीं सकते। ठीक है, ये तमीज देख लो इसकी, बैट फेंक रही है, बैट फ्री है। चल अभी मैं बनाने लगा हूँ पिज्जा, एंड मैं नॉनवेज पिज्जा नहीं बनाने लगा, शायद मैंने आपको पहले बताया हो कि मैं नॉनवेज बनाने लगा हूँ। मैं बनाने लगा हूँ वेजिटेबल पिज्जा, जिसमें मैं वेजिटेबल्स आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डाल रहा हूँ। वेजिटेबल्स में डाल मशरूम, पनीर, कैप्सिकम एंड अनियन, एंड मैं एक आपको स्पेशल पिज़्ज़ा सॉस पहले बनानी सिखाता हूँ, तो चलिए पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें 3 तरह की सॉसेस चाहिए, जिसमें आएगी एक तंदूरी मेयोनीज, पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, आप अकेली पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, एंड मिंट मेयोनीज। मिंट मेयोनीज से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो देख लेते हैं क्वांटिटी कितनी कितनी डालनी है। मिंट मेयोनीज मैं एक पिज़्ज़ा के लिए क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ। मिंट मेयोनीज हम मतलब हाफ टेबल स्पून के करीब ले लेंगे मिंट मेयोनीज, आप देख सकते हैं। एंड एक एक टेबल स्पून हम लेंगे पास्ता, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, आप देख सकते हैं, एक भर के चम्मच, और एक ही चम्मच भर के, ये आधा चम्मच थोड़ी सी और, मतलब एक भर के पूरा चम्मच तंदूरी मेयोनीज। इनका सभी का अलग अलग एक मोटिव है। मिंट मेयोनीज से थोड़ा सा पुदीने का टेस्ट आएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। तंदूरी मेयोनीज में थोड़ी सी मतलब तंदूरी फ्लेवर एंड चिली फ्लेवर होता है, तो उसका भी बहुत एडवांटेज है। एंड जो पिज़्ज़ा सॉस है इसमें गार्लिक और थोड़ी सी मिठास चिली फ्लेवर होता है, तो इन तीनों को हम कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करके, और हम एक बढ़िया सी सॉस तैयार कर लेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं जो कैप्सिकम है उसको भी मैंने छोटे डाइसेस में काट लिया है, एंड जो अनियन है उसको भी छोटे डाइसेस में काट लिया है। अब हम गरम पैन में लेंगे मतलब 1 चम्मच के करीब ऑयल, एंड मेरा पैन गरम ही है तो मैं मतलब क्या कहते हैं इसको गरम नहीं ज़्यादा देर करूँगा, और कैप्सिकम एंड अनियन को डाल के इसको अच्छी तरह से पकाना नहीं है, इसको क्रिस्पी क्रिस्पी रखना है अगर आपको बढ़िया फ्लेवर चाहिए तो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गया है हमारा अनियन, अब हम इसमें डाल देंगे मशरूम, एंड मैंने ज़्यादा नहीं अनियन और कैप्सिकम को पकाया क्योंकि अनियन और कैप्सिकम मशरूम के साथ पक जाएंगे, मशरूम पकने में टाइम ज़्यादा लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मशरूम पक गया, इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट और ब्लैक पेपर, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी हाफ टी स्पून या 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर। सारी सब्जियां अच्छे से पकाने के बाद अब हम पनीर को डाल के इसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो गैस कर देते हैं बंद और हमारी सब्जी रेडी है, आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, साइड पे रख देते हैं, और अब हम करते हैं अपने पिज़्ज़ा की असेंबली। तो पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम लगाएंगे हमारी सॉस, अच्छे से फैला दें इसे बढ़िया एज टू एज, इसको कवर कर लें। सॉस लगाने के बाद पहले हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़,
मैं इसमें दो तरह की चीज़ यूज़ करूँगा, एक मोजरेला चीज़ और एक प्रोसेस्ड चीज़। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं दो तरह की चीज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ। वेजिटेबल्स से मैंने अच्छे से लोड कर दिया है एंड अभी हम डाल देंगे इस पे और थोड़ा मोज़रेला चीज़। तो अभी इस पे डालूंगा मैं प्रोसेस्ड चीज़। मोज़रेला चीज़ जो आपने देखा होगा, जो डोमिनोज के पिज्ज़ाज होते हैं उस पे मोज़रेला चीज़ अकेला डलता है, उससे जो होता है ना वो चीज़ पुल जो आता है वायर इफेक्ट, मोज़रेला चीज़ से वो आता है। एंड जो प्रोसेस चीज़ होता है ना, ये होता है क्रीमी टेक्सचर वाला, तो इससे एक बहुत बढ़िया क्रीमी फ्लेवर आता है एंड क्रीमी टेक्सचर आता है। आप ट्राई करके देखिए दोनों चीज़ साथ में एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज आर गोना लव इट। तो अभी ये जो है हमारा पिज्ज़ा ये हो गया है हमारे, हम इसे एयर फ्रायर में पकाने वाले हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो ग्रिल मोड पे आप इसे माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट के लिए पका सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास माइक्रोवेव की सुविधा भी नहीं है तो आप जो है एक कढ़ाई लेके उस पे नीचे नमक डाल के और नमक के ऊपर एक कटोरी रख के एंड उसके ऊपर प्लेट रख के इसको रखें एंड इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पकता है। तो एयर फ्रायर में चला गया है एंड अब करते हैं इसको बंद। और इसको तो इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने डाल दिया है 7 मिनट के लिए एयर फ्रायर के अंदर एंड हम आपको मिलते हैं 7 मिनट्स लेटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बढ़िया ब्राउन हो गया है चीज़, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम इसको निकाल देंगे एयर फ्रायर से एंड करेंगे सर्व। तो चिल्ली फ्लेक्स, ये डोमिनोज के हैं वैसे, पिज़्ज़ा सीजनिंग इस पे डाल लेते हैं। अभी इसको करते हैं टेस्ट, अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया चीज़ पे। भाई साहब क्या टेस्ट है, मज़ा ही आ गया, ज़रूर ट्राई करें यार। ये जो है ना जो सॉसेस मिलाई थी हमने, मेन कमाल सारा सॉस का है, सॉस इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी है, सॉस का इतना तगड़ा फ्लेवर आ रहा है ना, एंड जो दो चीज़ डाले थे उसका भी इनक्रेडिबल टेक्सचर एंड इनक्रेडिबल फ्लेवर है। पिज़्ज़ा मैं अब बस ख़त्म कर लूँगा, शायद इनको मिले या फिर ये नया बनाएंगे, ये बैठे हैं शायद इनको मिले करें। और अगर आप पिज़्ज़ा बनाएं तो कमेंट में बताएं कि कैसा बना है, आई एम श्योर बढ़िया ही बनेगा, पर अगर आप बनाएं तो कमेंट कर दीजिएगा या मुझे इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा। इंस्टा की जो आईडीज है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिज़्ज़ा हो गया है ख़त्म, मैंने तो रिव्यू दे दिया, तो मेरे जो भाई साहब आए हुए हैं मुक्सर से उनका भी रिव्यू जान लेते हैं। पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा था, इस भूखे ने अकेले ने खा लिया एक पिज्जा, दो में से एक पिज्जा इसने खाया बंदे ने, नहीं नहीं खाया ऐसे बोल, और एक पिज्जा फैमिली वालों ने खाया, एक एक बाइट इसने भी खाई है, एक बाइट इसने भी खाई है, एक बाइट मेरा कुछ बनता ही नहीं है, ये एक बाइट में भर गई थी। चल चल जा तो तो भाई की इंस्टाग्राम आपको दिख रही होगी, फॉलो करें एंड मेरे भी इंस्टा हैंडल्स हैं, जो भाई के इंस्टा हैंडल्स जो भी है सारा डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके बना के देखें और बताइए बताएं कैसा बने। इतना ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट, इतनी ज्यादा टॉपिंग वाला, अगर आप डोमिनोज से पिज्जा मंगवा, एक सेकंड, इतनी ज्यादा टॉपिंग वाला अगर आप डोमिनोज से पिज्जा मंगवाओगे तो आपको आराम से मतलब 4,500-600 का भी खर्चा आ सकता है। जो एक्स्ट्रा वगैरह पिज्जा होता है उनका बहुत महंगा होता है एंड इतना लोडेड पिज्जा आपको बहुत महंगा मिलेगा। ये घर पे जस्ट दो पिज्जे अराउंड 150 रुपीज कॉस्ट किए होंगे, दो पिज्जा, वो भी इतने अल्टीमेट फुल ऑफ चीज थे, आपने देखा ही होगा वीडियो में भी, चीज मैंने मतलब कंजूसी नहीं की, चीज भर भर के डाला है और बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। बना के देखे, कमेंट करें भी कैसा बना एंड इंस्टा हैंडल नीचे है। तो बाय बाय फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, और इसको बाय बोल देना, बाय बाय।